माहौल तो बहुत अच्छा है और माहौल बहुत अच्छा है और हम लोग गए थे वहाँ पे, काफ़ी जनसमूह आया था, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई है, हम भी स्टेज पे चढ़ के बहुत सारी बातें की हमने, अपने जो है हमारे जो आवाम थी वहाँ की, काराकाट की पब्लिक का रुझान तो है ख़ासतौर से यंगर्सों का ही है। और इस समय अगर सच पूछूँ पवन जी का पूरा वहाँ पे लहर है। हाँ, बाकी तो ये अंदर की बात है कि मतदाता अंदर जाके क्या करता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो हम देख रहे हैं, हम वही बातें कर सकते हैं, बता सकते हैं कि पवन जी पूरा टक्कर दे रहे हैं, पूरा टक्कर दे रहे हैं। उनके जनता से यही अपील करना चाहूँगा, काराकाट की जनता से, कि आप लोग बहुत सारे पार्टियों को मौका दिया आपने, आप पवन जी को भी मौका दें एक बार, और पवन जी को किसी चीज़ की कमी तो है नहीं, तो वो समाज सेवा के लिए गए हैं, तो आप लोग उनको मौका दीजिए। और मुझे उम्मीद है कि वो जो है, आपने जितने नेताओं को चुना उनसे बेहतर होंगे। बिल्कुल सही बात है, नेता कहाँ है, तो सामान्य सी बात है, नेता तो है नहीं, नेता तो वो होता है जिसका यही काम ही है, सुबह शाम लेके जो है अपना नेतागिरी करना, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में, नेता ही बनना है। हारे ना, जिधर देखा जिसकी पार्टी बन गई उसमें भी बुलाया चले गए आप, कभी पैसे के लालच में कभी सत्ता के लालच में, तो नेता वो है। आज सच्चा नेता, अच्छा नेता तो वो है कि भाई अगर सचमुच जो समाज सेवा वाला सेवक होता है वो एक ही पार्टी से जुड़ा रहता है, वो इधर उधर पेंडुलम की तरह भागता नहीं, जो पेंडुलम की तरह भागता है वो नेता नहीं है, वो उसका रोजी रोजगार वाला, वो समझ लो कि उसका रोजगार है वो, तो ये गलत है। ये तो मुझे लगता है कि ऐसे नेताओं को तो देश और समाज से बहिष्कृत कर देना चाहिए। बिल्कुल ऐसा बेटा लड़ रहा है, जीतेंगे 4 तारीख को, अरे 4 तारीख को, 4 तारीख को रिजल्ट है, नहीं 4 तारीख को रिजल्ट है, 1 को इलेक्शन है। हाँ, अभी बिल्कुल जीतेंगे, हम लोग की शुभकामनाएं हैं, और हम लोगों ने उन लोगों के लिए उनके लिए मेहनत भी किया है, और आवाम से भी जो मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप लोग इस बार पवन जी को वोट दें और उनको जिताएं। बहुत सारे लोग थे, मैं, पवन जी थे, काजल जी थी, मनोज टाइगर जी थे, शिल्पी जी थी, और क्या थे, पाखी हेगड़े जी थी, और बहुत सारी भोजपुरी के सिंगर थी, वो क्या नाम है, आस्था थी, अनुपमा यादव थी, और बहुत सारे ऐसे काफ़ी लोग थे कि मतलब इतनी भीड़ थी, इतनी स्टेज पे इतनी क्राउड थी कि एक दो बार तो स्टेज चरचरा भी गया, कसम बता रहा हूँ, तो भगाया गया, कि बाकी जो कि जो अननेसेसरी लोग हैं तो उनको हटाया भी गया, काफ़ी भीड़ था, और हम लोग आवाम के साथ थे, पब्लिक इतनी थी, पब्लिकों का प्यार इतना मिल रहा था कि पूछिए मत। जो पूरा पर्दाफाश करता है कि कहानी कैसे पूरी खुलती है, तो एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है, एक बहुत ही अच्छा स्क्रिप्ट है ये, और मैं डॉक्टर का करेक्टर कर रहा हूँ। पहले वही कर रहा हूँ कि इसमें हीरो हीरोइन के जो है माँ बाप थोड़े से नेगेटिव टाइप के हैं, थोड़े से लोभी टाइप के हैं, तो वही पहले तो उन लोगों का साथ देता हूँ, उनके माँ बाप का, फिर मुझे लगता है कि नहीं गलत हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, तो फिर मैं जो है हीरो हीरोइन का साथ देता हूँ, जिसको बोलते हैं सेंट्रल करेक्टर, फिल्म का एक ऐसा करेक्टर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसकी वजह से कहानी कभी लेफ्ट कभी राइट कभी ऊपर कभी नीचे होती है। समाज में यही मैसेज जाना चाहिए कि आप पैसे की लालची न बनो, आप अगर लड़की खोजते हो तो लड़की देखो, लड़की का पैसा मत देखो कि पैसे वाली घर की है कि नहीं है, वो आप देखो कि लड़की संस्कारी है कि नहीं है, लड़की शिक्षित है कि नहीं है, वो इम्पॉर्टेंट है। अगर लड़की संस्कारी है शिक्षित है तो आपका घर खुशहाल रहेगा, और पैसे से बड़ी जो चीज़ होती है ना खुशी होती है, उसको बड़ा, क्योंकि पैसे से आप खुशी नहीं खरीद सकते, पैसे से आप खुशी और सुकून नहीं खरीद सकते, सुकून आप कैसे खरीद सकते हैं, एक अच्छे व्यक्तित्व, अच्छे नेचर और अच्छे इंसान की वजह से। देखिए, एक डायरेक्टर और भी हो और वही प्रोड्यूसर भी हो तो उस पर दोहरी जिम्मेदारियां होती है, तो थोड़ा सा हम लोग को भी उसकी जिम्मेदारियों को लेना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि उसको दोनों चीज़ों को देखना होता है, दोनों चीज़ों को मैनेज करना होता है, तो एक इंसान दो चीज़ को मैनेज कर रहा है, तो कोशिश यही करना चाहिए टेक्नीशियन को और एक्टर्स को भी कि उनकी जो थोड़ी सी जो है भार कम कर सके, कहाँ से मदद हो सके, मतलब कि हम खुद कर सके, क्योंकि वो दोनों काम को कर रहे हैं एक सेट पर।
एज अ प्रोडक्शन तो मुझे लगता है कि फर्स्ट फिल्म कर रहा हूँ, मतलब एज अ प्रोड्यूसर जिस उनकी जो है प्रोडक्शन में कह सकते हैं कि मैं पहली बार काम कर रहा हूँ। और डायरेक्टर तो वो कमाल के हैं, उनकी मतलब जितनी तारीफ की जाए उनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। जी 3R। नहीं नहीं अच्छी बात है, देख वही बताना कि देखिए आज मतलब लड़की पढ़ाओ या नारी शिक्षा, तो ये सिर्फ बोले कहे नहीं, ये सिर्फ जो है शब्दों पे न रहे, ये सिर्फ जुबान पे न रहे, ये बातें हमारे दिल पे रहें। कि दिल से कोई बात जब दिल से होता तो हम उसके पीछे भागते उसको करते, जो जुबान पे होती है वहाँ पे बोल के निकल जाते। तो मैं यही कहूँगा अपने देश के आवाम से कि जिस तरह हम बेटों को पढ़ाते हैं अपनी बेटियों को भी शिक्षा दें, उनको आगे बढ़ाएं, उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें। इस फिल्म के लेके ऑडियंस भी जागृत होगी कि हमें पैसे के पीछे नहीं, हमें एक अच्छी बहू के पीछे भागनी चाहिए, एक है ना, एक अच्छी दुल्हन खोजनी चाहिए जो शिक्षित हो। वो अमीर हो कि नहीं हो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, वो शिक्षित हो वो इम्पोर्टेंट है। आज भोजपुरी सिनेमा को जो दौर एक चंद्रमा कई सालों से लगे हुए थे भोजपुरी सिनेमा की छवि बदलने में, वो आज पूरी तरह से बदल चुकी है। पारिवारिक ड्रामा बन रही है, टीवी चैनल के लिए फिल्में बन रही, घर घर में महिलाएं फिल्मों को देख रही हैं, टीआरपी, इस पे क्या कहना चाहेंगे? जो एक बदलाव हुआ है अभी फिल्मों का प्रारूप।